नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों आज के लेसन में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड सेंटेंस लाए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तुम्हारी इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपने कहा मैं इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो इंटरव्यू के लिए मैंने रेज्यूमे भी बना लिया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं अगले हफ्ते इंटरव्यू देने जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोग से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा तुम्हारी इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे How is your preparation going on for interview? अगर दोस्तों आपने कहा आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर इंटरव्यू। दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसा या फिर कैसी, इज का मतलब होता है। हाउ इज यानी कैसी है, कैसी चल रही है। सो दोस्तों चल रही है को हम कहेंगे गोइंग ऑन। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन यानी तुम्हारी तैयारी को हम योर प्रिपरेशन कहेंगे। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन यानी तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। इंटरव्यू की, दोस्तों इंटरव्यू की के लिए हम कहेंगे फॉर इंटरव्यू। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, तो आप कहेंगे I am fully prepared। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। दोस्तों आई यानी मैं, एम यानी हूं, फुली यानी पूरी तरह से, प्रिपेयर्ड यानी तैयार। मैं पूरी तरह से तैयार हूं इंटरव्यू के लिए, तो उसकी इंग्लिश होगी फॉर इंटरव्यू। ओके, ऐसे ही इंटरव्यू के लिए मैंने रिज्यूमे भी बना लिया है, तो आप कहेंगे I have also created resume फॉर इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे भी बना लिया है, तो आप कहेंगे I have also created resume for interview। दोस्तों आई यानी मैं, हैव ऑल्सो का मतलब होगा भी, क्रिएटेड यानी बना लिया है, रेज्यूमे फॉर इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के लिए, I have also created resume for interview। ओके, मैं अगले हफ्ते इंटरव्यू देने जाऊंगा, तो आप कहेंगे I will go to face interview। मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, तो आप कहेंगे I will go to face interview
नेक्स्ट वीक दोस्तों, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, मैं अगले हफ्ते इंटरव्यू देने जाऊंगा। तो आप कहेंगे आई विल गो टू फेस इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। दोस्तों आई यानी मैं, विल यानी आने वाला समय, विल गो यानी जाऊंगा, टू फेस इंटरव्यू, फेस इंटरव्यू यानी इंटरव्यू देने, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।